सीट उड़ारिया की बात करें तो भाई शो में अब जैस्मीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जैस्मीन को अब जो है जाना होगा मोगा छोड़कर, क्योंकि इस बार जैस्मीन को कोई और नहीं बल्कि अभिराज की पत्नी ने देख लिया है। और ऐसे में अब आपको बताते चले कि उसने विर्क हाउस में आकर यह ऐलान कर दिया है कि उसने जैस्मीन दीदी को देखा है। यहाँ पर रूपी सिंह ने कहा है कि भाई जैस्मीन तुम्हें अब ये मोगा छोड़कर जाना होगा, लेकिन जैस्मीन को मोगा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो अपनी बेटी को इसी शहर में इस बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती है और साथ ही साथ वो चाहती है कि तेजो के संस्कार भी उसके बेटी में आए, लेकिन बेटी तो भाई जैस्मीन की खून है, जैस्मीन का रंग तो बहुत जल्द दिखेगा उसकी बेटी नाज में। लेकिन अब आपको बता दें कि अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है एक बड़ा धमाका, क्योंकि मोगा छोड़ने से पहले कहा जा रहा है कि जैस्मीन मिलने आएगी चोरी छुपके तेजो से। तेजो और जैस्मीन का आमना सामना जब होगा और जैस्मीन अपनी मजबूरी बताएगी तो तेजो उस मजबूरी को सुनकर उसे यही लगेगा कि ये एक फिर से नाटक कर रही है, फिर से इसका नया खेल है। जैस्मीन कहेगी कि मेरी बेटी को मत जाने दो, ये स्कूल मत छोड़ने दो तेजो, वो भी चाहती है कि वो भी दूसरे बच्चों के साथ की तरह बड़ी हो, उसकी तरह खेले कूदे, बड़े स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन क्या करेगी तेजो, क्या होगा तेजो का फैसला, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।